गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। तो गाइस, क्या क्या करना है आज, क्या क्या सीए है, हम सारी बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फर्स्टली आज 3 PM पे मेरी क्लास है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर ऐसे भी रहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोज के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा करंट अफेयर्स आज का 31 अगस्त की हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो है, ये है ना कि मेरा कभी अभी करंट अफेयर्स आता है 9 AM पे, और अगर हम बात करते हैं 10 AM पे, 10 AM पे आज आपका बैंकिंग अवेयरनेस पर MCQs है। बट ये बैंकिंग अवेयरनेस जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स से, जैसे हम करेंसी की बात करेंगे ये सब, तो हर एग्जाम के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। जो भी इकोनॉमिक्स, जहां भी इकोनॉमिक्स आती है एग्जाम में, वो सेशन हमारा है। तो हर एग्जाम का बच्चा, रेलवे का, SSC का, किसी का भी, वो ज्वाइन हमें कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, और इंक्लूडिंग मी, मेरा खुद का अपना कोर्स है राइट नाउ, अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेरा कोर्स है, बट वो कोर्स खत्म होने वाला, और अभी इस वीक से शुरुआत जो होगी उसमें मेरे दो कोर्स आ रहे हैं, एक RRBPO IBPS PO के लिए MCQs की हम बात करेंगे, करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, और दूसरा मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का बेसिक से लेके हाई लेवल तक के कोर्सेज आ रहे हैं। गाइज, ये जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है, ये सेक्शन ऐसा है जहां पर आपको हेल्प चाहिए, और हेल्प के लिए एक कोर्स मैंने बनाया है बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। क्लैरिकल के लिए भी वो कोर्स होगा, पीओ के लिए भी होगा, और IBPS PO और RRBPO दोनों के लिए अभी तक है वो कोर्स, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन आप कैसे करेंगे, ज्वाइन आप कैसे करेंगे, देखिए अनअकैडमी प्लस आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल दे रहा है, फ्री ट्रायल दे रहा है कि आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को एक बार समझें, आकर यहां पर एक्सपीरियंस लें, कितने सारे बच्चे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है हर बच्चों के लिए जो कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक बार आप आइए, आपको खुद मालूम चल जाएगा क्यों ये डिफरेंस है, क्यों ये डिफरेंस करता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है यहां पर, देखिए, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर हम बात करें, आपको लॉगिन साइन अप करना है, यहां पर आप जाएंगे तो गोल का ऑप्शन होता है। गोल के ऑप्शन का मतलब, अगर मान लीजिए आपका गोल बैंक एग्जाम्स है, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आता है, ये फर्स्ट है। यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर कोड डालना पड़ेगा फैकल्टी इसका, मेरा कोड है AMLI। ये कोड डालने के बाद यहां पर पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप क्लिक करना है और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और जो भी 4-5 दिन बचे हैं अभी, आपको अच्छा लगता है तो आप सेम कोर्स से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एडमिशन की, जैसे यहां ₹5,000 दिख रहा है आपको, तो इस कोड के थ्रू आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोड आपका 4000, मतलब यहां पर देखिए तो पेमेंट आपका 4500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, पहले तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम की रेंज है, मतलब अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, देख लीजिए, UPSC, IIT, NTSC फाउंडेशन, कैट, बैंक एग्जाम, MPPSC, MPSC, मतलब रेलवे एग्जाम्स, मतलब लगभग हर एग्जाम का हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, फैकल्टीज हैं, और ऐसे फैकल्टीज जो कि इंडिया लेवल पे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम करते हो, आपको अनअकैडमी प्लस पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहां पर देखिए UGC नेट का भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो भी करना चाहते हैं, PhD, ये सब, ठीक। तो हमारे पास इतनी सारी रेंज है, और हर रेंज में कम से कम 50 फैकल्टीज हैं, 50 एजुकेटर्स हैं। तो आप जब भी फीस पे करोगे ना, तो आप किसी एक के लिए नहीं करोगे, ये बिल्कुल ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। आप जब भी फीस करोगे, आप अगर मान लीजिए आप बैंकिंग के एग्जाम देने आ रहे हो, फीस पे करते हो, तो जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इस कोर्सेस में क्या मिलता है आपको एग्जैक्टली, में क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस की नोट्स मिलती हैं, वीकली क्वेश्चंस मिलते हैं, वीकली क्वेश्चन के बाद आपको फ्री लेसन भी मिलते हैं। ये इतना सारा पूरा पैकेज आपको मिलता है, मतलब नॉलेज का भंडार, इसको आपको देखना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो। देखो, कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको कंपटीशन बढ़ते हुए जमाने में ऐसे लोग के पास जाना चाहिए जिनका भी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये एग्जाम है। और करियर की बात है तो करियर के साथ आप खिलवाड़ तो नहीं करेंगे, ये दो साल का हमारा मॉडल है, 2 साल तक आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको फीस 8000 देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये फीस 7200 की पड़ेगी, तो ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक। आइए अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स की। 31 अगस्त करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी न्यूज
जो है वो क्या है, वो है हमारा बैंकिंग मर्जर कंसोलिडेशंस। तो बैंकों का मर्जर हो गया है, 10 बैंक जो थे हमारे देश के बड़े बैंक, ये मर्ज होकर 4 बड़े बैंक में कन्वर्ट हो गए। गवर्नमेंट कहना यह है कि हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए हमें बैंकों को मर्ज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इन सब बैंकों में बहुत सारे वीक बैंक हैं और ये वीक बैंक ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इनको बार बार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को फंड देना पड़ता है ना इनको। एग्जैक्टली में पूरा मसला क्या है, पूरा मसला बेसल 3 नॉर्म्स का है। बेसल कमेटी एक कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर बेसल में है, तो वो दुनिया भर के बैंकों को बताती है कि आपके बैंकिंग में कितना पैसा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप अपने इकोनॉमी को ग्रो कर पाओ, या कभी कोई रिस्क आता है, रिसेशन आता है तो आप बच जाओ। मतलब आपको पता है ना कि 2008 में अमेरिका में जो मंदी आई थी वो बैंकों की वजह से आई थी। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी देश की रीढ़ क्या होते हैं, बैंक होते हैं, और अगर बैंक ही बर्बाद हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात यह होती है, देखिए कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी देश में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो वहां के बैंकिंग हालात को समझता है, क्योंकि बिजनेस उसको बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इंडिया के जो बैंक्स हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 35 से 40 नंबर के बीच में डेविएट करता रहता है, मतलब इतने पीछे। तो गवर्नमेंट कहना यह है कि जो आगे आने वाले जो हमारे पास टारगेट्स हैं उसके हिसाब से हमारे बैंकिंग मीट नहीं कर पा रहे, तो उस टारगेट के लिए हमें इन बैंकों को मर्ज करना पड़ेगा ताकि इनकी कैपिटल इनहेंस हो, यह गवर्नमेंट का सोचना है। अच्छा, वैकेंसी पर बात मैं करूंगा, आपकी जो भी डाउट है मैं करूंगा, ठीक है, बताएंगे, सब बताएंगे, मर्जर का इफेक्ट भी बताएंगे। देखो पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट यह है कि जैसे मान समझो अगर तुम्हारे पास एक बकेट में 4 बर्तन है तो इन 4 बर्तन में टकराने की आवाज तो जरूर होगी। तो भारत सरकार का अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस दिशा में काम करना है, तो एक या दो बैंक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 72 बैंक हैं, 75 बैंक हैं, तो उनके हेड भी अलग होंगे, उनके कार्य करने का तरीका भी अलग होगा, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मीटअप नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपना ये कम क्यों किया, ताकि उनके ऑब्जेक्टिव मीटअप, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक मर्ज किए थे, तो अब ये जो बैंक मर्ज होंगे ना उससे क्या होगा कि बैंकिंग कैपिटल तो बढ़ेगी, उसका फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, गवर्नमेंट को बार बार इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप काम करिए। अच्छा, इस बार के जो निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, बैंकों को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो एक तो कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उसमें क्या होगा कि सारे जो बैंक मर्ज होंगे तो गवर्नमेंट के साथ साथ वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बैंक लॉस में थे, वाकई लॉस में थे, तो उनको मर्ज करने से क्या हुआ कि अब वो लॉस वाला मैटर खत्म हो जाएगा, अब वो क्या करेंगे, वो लोग मिलकर काम करेंगे, तो कैपिटल एक हो जाएगी, बैंक की कैपिटल बढ़ेगी, तो बैंक की कैपिटल बढ़ेगी तो बैंक मार्केट में लोन बांट पाएगा, ये आप लोग सोच रहे हो ना, नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी, मैं देख रहा था कल यूट्यूब पर, जिसका मन कर रहा है वही वीडियो डाल रहा है। देखिए मेरी बात समझेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन पाएगा जब बैंक लोन बांटेंगे, सच्चाई है, लेकिन बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे। अभी तो आप लोग अपना करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FDRD खोलते हो, बहुत लोग खुश हो जाते हो, म्यूचुअल फंड खोल लेते हो, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड या बैंक का इंश्योरेंस ये सब जो है वो सरकारी बैंकों में ज्यादा हो पा रहा है। आपको पता है ये सिटी बैंक, HSBC बैंक और ये जो आपके SNP है, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप तैयार रहिए, हमारे देश के सरकारी बैंक भी अपने आप को चेंज करने वाले हैं, और ये पूरी तरह से अब मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसका जमाना आ चुका है सरकारी बैंकों में। आप बोलेंगे सर तो फिर ये जो हमारे देश में 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इनको तो मर्चेंट बैंक से लोन नहीं मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, नहीं मिलेगा, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहा है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया, इन बैंकों को अपग्रेड किया एक लेवल, और जो छोटे जो मतलब ऐसे लोग किसान है, आर्टिशियन है, जो वीकर सेक्शन है, उनको लोन कहां से मिलेगा, तो पेमेंट बैंक को स्मॉल बैंक में कन्वर्ट करके। तो ये है गवर्नमेंट की पूरी सोच, ये मेरी अपनी थिंकिंग है जो मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूं, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, ये जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत सरकार ये करने जा रही है। चलिए फिलहाल इस, ये तो बहुत लंबा मुद्दा है, इस पर बहस करते चलेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे हम लोग, वैकेंसीज की बात करेंगे, रुक जाइए। चलिए, ये हमारे सामने मैटर है पूरा, ठीक है, आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अनलॉकिंग पोटेंशियल थ्रू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के थ्रू जो बैंकों का पोटेंशियल है, मतलब जो बैंक काम कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर रहे हैं, हम वो करवाएंगे उनसे। इसमें 4-5 पॉइंट हैं, इसका मतलब यही है कि अगर फ्यूचर में जोखिम आता है तो बैंक उसके लिए रेडी रहे,
ठीक। और बैंकों को हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का और ज्यादा यूज बैंकिंग सेक्टर में होगा। नए नए एरियाज, नए नए सेक्टर्स जहां पर बैंक इसलिए पहुंच नहीं पा रहा था बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कहीं पर पीएनबी है, कहीं पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पीएनबी को वहां पहुंचना था बट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वहां पर जड़े जमाया हुआ था। तो अब क्या होगा कि पीएनबी ओरिएंटल दोनों मर्ज होंगे तो पीएनबी की पहुंच उस एरिया में भी हो जाएगी, समझिए। तो जिन सेक्टर्स में बैंकिंग अभी नहीं पहुंच पा रहे थे बैंक उस सेक्टर में ही पहुंचेंगे और इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। फिलहाल मैं आपसे बात करूंगा, वैकेंसी पर बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है, इसे आपको पढ़ना नहीं है। देखिए तो पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं, आपको ये पता है ना, मर्ज हो गए हैं। और ये मर्ज होकर, ये सब मर्ज होकर हमारे देश में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनाएंगे। कैपिटल दो आप लोगों को याद क्या रखना है, कैपिटल 17.95 लाख करोड़ रुपीस। और इसे और डीप में समझना है तो कल मेरा वीडियो आ रहा है उसे देखना, मैंने और डीप में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। बिकॉज हमें बहुत कुछ पढ़ना करंट अफेयर्स में, तो अभी मैं केवल पॉइंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनेगा, इतनी कैपिटल हो जाएगी और जितने जो दो पीएनबी, पीएनबी ही बैंक रहेगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक इसमें मर्ज होकर खत्म हो जाएंगे, केवल पीएनबी बचेगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए पूरा आप लोग, आप लोगों को पढ़ना क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ये आपका और ये पॉइंट जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया है ये देखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, पहले यह समझिए कि बैंकों को मर्ज किस हिसाब से किया गया, बैंकों को मर्ज किस हिसाब से किया गया है, क्योंकि 2017-18 में अरुण जेटली ने बोला था कि बैंकों को हम मर्ज करेंगे एरिया अप्रोच के थ्रू। तो क्या एरिया अप्रोच के थ्रू मर्ज हुए हैं, देखते हैं। ये दिल्ली में है, ठीक है, ये गुड़गांव में है, बात समझ आ रही है, लेकिन ये तो कोलकाता में है, तो कोलकाता मतलब कोलकाता, इधर दिल्ली, एरिया अप्रोच तो नहीं है। ये लोग मर्ज कैसे किए गए हैं, देखिए आपको सीबीएस मैंने पढ़ाया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये सारे बैंकों का अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, फंड ट्रांसफर होता है। तो ये जो सीबीएस प्लेटफॉर्म बनता है ये बैंक अपना किसी न किसी कंपनी से बनवाती है, तो जिन जिन बैंकों का सीबीएस सेम था उनको मर्ज किया गया, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अच्छा एक बात यह है कि इन तीनों को मर्ज होने के बाद कैपिटल करीब करीब 18 लाख करोड़ पहुंच रही है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने बच्चों ने मुझसे बेसल नॉर्म्स पढ़ा है मेरे पेड बैचेस में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो बेसल थर्ड नॉर्म के हिसाब से, थर्ड नॉर्म के हिसाब से सरकारी बैंकों को 11.5 मतलब बैंकों को 11.5% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। तो आप देखिए अगर इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो 10.77 मतलब कि बहुत पास पहुंच गए, टारगेट के बहुत पास पहुंच गए, तो ये हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, हम लोग के लिए है कि नहीं अभी आगे बात कर लेंगे, ठीक है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए हैं और ये दोनों मर्ज होकर क्या, ये दोनों मर्ज होकर चौथा लार्जेस्ट बनाएंगे। चौथा तीसरा कौन है, पहला एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा आपका कैनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक मर्ज होकर क्या कैनरा बैंक पहुंचेगा। अच्छा कैनरा बैंक बेंगलोर, सिंडिकेट बैंक हेडक्वार्टर सिंडिकेट बैंक मणिपाल, ये साउथ के बैंक हैं। एरिया अप्रोच यहां पर हम देख सकते हैं लेकिन मेन रीजन सीबीएस का ही है, सीबीएस पार्टनर्स का, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस याद रखनी है, कैपिटल याद रखनी है आपको, और कौन से नंबर का बैंक बना आपके एग्जाम, और हर एग्जाम में ये आएगा, ये मत सोचना ये बैंकिंग एग्जाम में केवल आएगा, ठीक है। 15,20,000 करोड़ रुपए कैपिटल हो जाएगी और यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.63 मतलब कि ये भी टारगेट को अपने अचीव कर लिया, ठीक। और देखिए यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पे, हैदराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई और कॉरपोरेशन बैंक मणिपाल। तो कहने का मतलब क्या है कि एरिया अप्रोच तो नहीं है। अब एरिया अप्रोच नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सीबीएस सेम है तो इनको मर्ज किया गया। ये पांचवें नंबर का सबसे बड़ा बैंक बनाएंगे, कैपिटल 14.59 लाख करोड़ रुपीज हो जाएगा और ब्रांचेस 9,609 ब्रांच हो जाएगी। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं। अंशुल पांडे चलिए तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, तो कैपिटल करीब 15 लाख करोड़ करीब करीब हो जाएगी और अगर हम सीआरआर की बात करें तो 12.39% हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए ये सब अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई, इलाहाबाद बैंक का कोलकाता, मतलब कि एरिया अप्रोच तो नहीं है। और ये दोनों मिलकर सातवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनाएंगे, सातवां, इनकी कैपिटल 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। अब देखिए इंडियन बैंक, देखो वैकेंसी की बात करें, आप लोग बुद्धिमान है, इस बार आईबीपीएस पीओ में जो वैकेंसीज आई थी, जिन बैंकों ने इतनी वैकेंसी निकाली थी, एक बार देख लीजिएगा,
आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे वैकेंसीज कम होंगी या बढ़ेंगी। बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, दोनों हो सकता है। कैसे बढ़ेंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, तो इनका भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.89% हो जा रहा है और कैपिटल 8 लाख करोड़ रुपीज हो जा रही है, ठीक है। अब देखो, ये सबसे मेन स्लाइड है जो आपको देखनी थी, सबसे मेन स्लाइड, ठीक। तो कौन कौन से बैंक रहेंगे, तो एक रहेगा पीएनबी, एक रहेगा कैनरा बैंक, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन बैंक, चार बैंक बचेंगे। यानी कौन से मर्ज हो रहे हैं, तो ये और ये देख लीजिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई, इसमें सिंडिकेट बैंक, इसमें आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक और इसमें इलाहाबाद बैंक। तो ये चार बैंक बचेंगे, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, और ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट, ये हो गया फोर्थ लार्जेस्ट, ये हो गया फिफ्थ, हो गया ये सेवंथ हो गया। यानी पहला कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कौन है, पीएनबी, तीसरा कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देख लो यहां पे, चौथा कौन है, ये हो गया कैनरा बैंक, पांचवा हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां कौन है, सातवां तो मालूम चल गया, छठवां कौन है, छठवां कौन है, छठवां है आपका बैंक ऑफ इंडिया, 9 लाख करोड़ रुपीज। देख लीजिए लिस्ट पूरी बता रहे हैं आपको, उसके बाद आपका हो गया क्या, इंडियन बैंक सातवें नंबर पे। तो ये 1 to 7 रैंक मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, कैसे मर्ज हुआ था, मैंने बोला था ना कि सीबीएस पार्टनर, देखिए तो पीएनबी, ओरिएंटल और यूनाइटेड का सीबीएस था फिनेकल, कैनरा बैंक का था आईफ्लेक्स, यूनियन बैंक का था फिनेकल और इनका इंडियन बैंक का था बीएएनसीएस। तो इन जिनका जिनका सीबीएस प्लेटफॉर्म सेम था उनको आपस में मर्ज किया गया है, यहां पर एरिया अप्रोच नहीं रखा गया। अच्छा, उसके बाद देखिए निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि ये दोनों बैंक जैसे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, देखो इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्हें मर्ज क्यों नहीं किया गया? गवर्नमेंट ने बोला कि आप वेटिंग में, आपको भी मर्ज करेंगे, आप वेटिंग में। मुझे लग रहा है कि इनको मर्ज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे देश में जो भी आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनको मर्ज किया जाएगा इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इनको एक एक स्टेट, मतलब एरिया अप्रोच यहां पे लगाया जाएगा और इनको आरआरबी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2017 में 27 बैंक थे टोटल और बताया गया, और अभी कितने हो गए, 12 हो गए। कैसे 12 हो गए, 27 थे तो 5 बैंक इसमें एसोसिएट्स बैंक थे एसबीआई के, और एक बैंक कौन सा था, एक बैंक था आपका ये भारतीय महिला बैंक, इन सबको मर्ज किया गया था, आपको याद होगा। उसके बाद आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट घोषित कर दिया गया, आपको यह भी याद है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया, तो केवल बॉब बचा, है ना। तो ये न्यूज है पूरी, ये पूरी न्यूज थी, आपको इसे समझना था, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया इस पर, बट आपको ये बोलना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए सिंपल सी बात है, अगर देखिए आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, इसमें जानता हूं, आप लोग सुनना चाहते हैं कि मैं ये बोल दूं कि वैकेंसी खत्म हो जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर मैं पक्ष में बोलूंगा तो आप बोलेंगे बीजेपी का आदमी हूं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक फैकल्टी काम क्या होता है, अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना किसी भी सिचुएशन में। मैं आपसे निगेटिव नहीं बोल सकता हूं, मुझे आपको पॉजिटिव ही बोलना है। लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि आप समझिए इकोनॉमिक्स को, समझिए इसको, बैंक मर्ज हो रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बैंकों को अपना बिजनेस भी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे दिए। हाँ, वो अलग बात है कि अब जो जॉब्स बैंक में मिलेगी आपको, वो हो सकता है कोर बैंकिंग ना मिले, हो सकता हो कि आपको म्यूचुअल फंड्स में, डीमैट अकाउंट में, मार्केटिंग में, इन सब में जॉब मिले। ऐसा नहीं है जॉब खत्म हो जाएगी, आपको डाइवर्सिफाई ये बैंक करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में आप रोके, लेकिन अलग अलग उसमें, जैसे कोई बैंक का इंश्योरेंस दिख रहा है, कोई म्यूचुअल फंड दिख रहा है, क्योंकि बैंक को पैसा खींचना पड़ेगा ना पब्लिक से, तभी तो दे पाएंगे। तो खींचने के लिए उन्हें अपने आर्म्स फैलाने पड़ेंगे, और ये बात कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि बैंकों को अब मार्केट के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है, समझिए। रिकमेंडेशन कुछ और भी हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हर बैंकों को चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी किया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला कि जैसे जो बैंकों में एमडी सीईओ होते हैं उनके नीचे बहुत सारी बड़ी पोस्ट होती है, जैसे सीजीएम होते हैं, जीएम होते हैं, तो अब इनका भी रिक्रूटमेंट, इनका भी अप्रेजल जो होगा वो कौन करेगा, नेशनलाइज बैंक बोर्ड करेगा, अब वो एमडी सीएमडी के हाथ से ले लिया गया। और निर्मला सीतारमण जी का कि मार्केट में जो अच्छा काम कर रहा है उसको हायर करिए, मतलब इस ऊंचे पोस्ट पर। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। चलिए मेरी बात समझ में आई सबको,
आगे बढ़े तो ये अध्याय खत्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, किस बैंक को कितनी कैपिटल मिली, ठीक है। तो पीएनबी को मे भी शायद आपको ब्लर दिख रहा होगा, पीएनबी को 16,000 करोड़, यूनियन को 11,700 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़, कैनरा बैंक को 6,500 करोड़, इंडियन बैंक को 2,500 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 3,800 करोड़, सेंट्रल बैंक को 3,300 करोड़, यूको बैंक को 2,100 करोड़, यूनाइटेड बैंक को 1,600 करोड़ और पंजाब एंड सिंध बैंक को 750 करोड़ रुपए। टोटल 55,250 करोड़ रुपए आते गए हैं। यह एक ऐसा सेक्शन है जिससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आपको सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे। रॉक माइकल, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं लेकिन मतलब मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्योंकि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेट कर रही है, कैसे कर सकती है, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी कहां पर है, रूरल एरियाज में है। अगर प्राइवेट बैंक हो गए तो वो लोन तो बांटेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट को इसका सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना पड़ेगा, है ना, उस सब चक्कर में छोड़िए। हाँ, मैं ये बोलता हूं कि बैंक मर्ज होंगे तो क्या होगा, बैंकों का पूरा फोकस मर्जर पे होगा, तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर एक दो साल तक आपकी वैकेंसी आधी हो जाएगी, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। अभी जैसे पीओ की 4,000 वैकेंसी आती है तो आप मान के चलो 2,000-3,000 वैकेंसी आएंगी दो साल तक, जब सब कुछ मैनेज हो जाएगा, जब बैंक एक्सपेंड करेंगे फिर उसके बाद। तो आपके पास क्या है मौका, आपके पास यही मौका है कि कंपटीशन और टफर होगा, और टफ होगा कंपटीशन, टफ होगा, पेपर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, याद रखिएगा। और बैंक अब उसी को लेंगे जो हर चीज में सर्वगुण संपन्न होगा, याद रखिएगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, इतना ये है, ठीक। हाँ आशीष, मैं बोलता हूं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहां बोल रहा हूं कि मुझसे मोदी जी से बात हुई है, मैं तो अपने पॉइंट ही आपको बोलूंगा ना बेटा, कि कोई बोल रहा है मैं उससे कॉपी करके आपको बोल दूं कि अरे नहीं 1,00,000 वैकेंसी लास्ट ईयर आ गई, मैं कैसे बोल दूं आपसे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग मेरी जल्दी गलत नहीं होती, जितना भी मैंने बोला है। अगर आप मुझे एक साल से फॉलो कर रहे हैं तो मैं पहले ही बोल चुका था कि पूरा विश्व ऐसी मंदी में चल रहा है, दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, आज पड़ गया इंपैक्ट, और ये एक साल पहले मैंने बोला, यूट्यूब पे बोला, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं फॉलो करें कोई बात नहीं है, आपको आगे मालूम चल जाएगा। मैंने क्या बोला है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट क्यों कर रही है, आप देखिएगा, रुक जाइए 2-3 मिनट जाइए और देख लीजिएगा। चलिए, हाँ स्टूडेंट के लिए टफ टाइम, स्टूडेंट के लिए क्यों, हमारे टफ टाइम नहीं है, हमारे लिए भी टफ टाइम है, हम भी तो यही इसी सेक्टर में आपके साथ ही है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ललिता अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है, और अगस्त हो चुका है, सितंबर आ रहा है, आरबीआई ग्रेड बी की बात करें वैकेंसी आ जानी चाहिए थी बट आई नहीं है, मे बी इस साल ना है, मे बी नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि जहां तक है अगस्त में एग्जाम हो जाते हैं फेज वन के। इस साल की वैकेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइए। हाँ बस जो ज्वाइनिंग आपकी जुलाई अगस्त से शुरू होती थी वो ज्वाइनिंग आपकी जाएगी और लेट, ज्वाइनिंग आपकी लेट जाएगी, इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। मयंक भैया प्लीज, हम बहुत गरीब इंसान है, इंसान रहने दो। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं, बुकों की बात कर लेते हैं और सीए की बात कर लें, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो ओबामा जी के ऊपर एक बुक आई है, द कॉल ऑफ हिस्ट्री, द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है, पीटर बेकर ने लिखी है, ठीक है, जिन्होंने बराक ओबामा का जो ऑफिस टाइम था उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। और आप लोग ऐसी बातें करते हैं, आप लोग अपना इतना दुखी होते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम लोग बड़े मस्ती में रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था बहुत सारे बच्चों का एसबीआई में, आपने देखा होगा मैं 2-3 दिन के ग्रुप से हट गया था, एकदम दुख मन में, हमारा दुख होता है, अभी ये चीज हो रही है तो मन में हमारे भी दुख है कि आपने पैसा लगाया है, आपने टाइम लगाया है और ये चीजें होती हैं। तो लेकिन अब क्या इसको लेके हम बैठे रहेंगे, क्या हमारी ये जो जॉब थी वो बैंकिंग सेक्टर के लिए थी, हम खत्म हो चुके हैं। अगर मैं कह रहा हूं नेक्स्ट ईयर क्या वैकेंसी नहीं आएगी तो आप क्या खत्म हो जाओगे, मतलब कुछ नहीं करोगे लाइफ में, ठीक है, होता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। और आपको क्या पता है कि वैकेंसी खत्म हो जाएगी, जो बोलना है बोलने दीजिए। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक मर्ज हुए थे ना, तो लोग क्या क्या बोले थे पता है, कि एसबीआई वॉलंटरी मतलब जबरदस्ती रिटायरमेंट दे रहा है, इतने लोग हैं भैया, 2 साल हो गया, 2 साल से पीओ की वैकेंसी आ तो रही है,
मैं तो देख रहा हूं, दूसरों को बोलने दीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में यही है। पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस साल तो आपने फॉर्म भरे हैं ना, अभी आरआरबी के एग्जाम्स हैं, अभी क्लैरिकल के एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, आपने फॉर्म तो भरे हैं ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा ना, अभी इस साल तो मेहनत कर लो पहले, कि अभी मतलब गांव बसा नहीं, और वही बात है कि डाकू पहले ही आने लगे। चलिए, परेशान ना होइए ना करिए, आप परेशान होंगे तो हम भी परेशान होंगे, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है वो दिल का है, वो दिमाग का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुक का नाम ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रिटन बाय पीटर बकर। ठीक है, और इन्होंने इस बुक में क्या बोला है, इट गिव्स एन डेप्थ अकाउंट ऑफ ओबामा इयर्स इन ऑफिस, ओबामा का जो कार्यकाल था उसके बारे में, और इसे पब्लिश कौन करेगा, पेंगुइन इंडिया पब्लिश करेगी। तो बुक का नाम किसने लिखा है, बुक में क्या है और पब्लिश कौन कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स इन न्यूज अगस्त, तो अगस्त मंथ का पूरा रिवीजन बुक्स का मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक, देखिए, तो एक नई बुक आई है मिहिर दलाल की, इनका बुक का नाम क्या है, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। ठीक, बुक का नाम क्या है, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इस बुक को फ्लिपकार्ट के मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर ग्रोथ से लेकर लिखा गया है कि फ्लिपकार्ट कैसे आई, कैसे दो लोगों ने अपनी जॉब फिर मतलब अपनी कॉलेज खत्म करके बैंगलोर में फ्लैट लेकर कैसे शुरू किया, वही सब के बारे में है। तो मिहिर दलाल की बुक है। ठीक, दूसरी बुक क्या आई है, हमारे देश के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने डायरी ऑफ द मनु गांधी नाम की बुक लॉन्च की है, जो कि 1943 टू 44 पे लिखी गई थी, गांधी जी के अंतिम समय के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी बुक आई है, स्टोरी डी क्लासिफिकेशन बुक का नाम है, इसे किसने लिखा है, इकबाल चांद मल्होत्रा ने और मरफूज राजा ने लिखा है। ठीक है, देख लीजिएगा। और देखें, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, ये बुक उनके 56 बर्थ एनिवर्सरी पर अनवील की गई, लिखा किसने है, सत्यार्थ नायक ने लिखा है, यह भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह ने लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नाम की बुक को लॉन्च किया, जो कि वेंकैया नायडू जी के एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में जो 2 साल कंप्लीट हुए उसके नाम पर, यह भी आपको मैंने पढ़ाया है। और देख लीजिए, आरबीआई के गवर्नर विमल जलान ने एक बुक लिखी है, रिसर्जेंट इंडिया, यह भी आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक, और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ एंड कैरोल एन ब्राउन, इन लोगों ने एक बुक लिखी है, टूल्स एंड वेपन्स द प्रॉमिस एंड द पैरल ऑफ द डिजिटल एज, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि सितंबर में ये बुक आएगी। तो जो बुक्स थी अगस्त में उसका रिवीजन मैंने पूरा करा दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स की बात करेंगे। स्पोर्ट्स में कौन कौन सी न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम लोग हैं अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ठीक, स्पोर्ट्स, तो श्रीलंकन क्रिकेटर अजंता मेंडिस रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। अजंता मेंडिस बड़े खतरनाक बॉलर आए थे बीच में, इन्होंने काफी इंडियंस को परेशान किया था, तो अजंता मेंडिस ने रिटायरमेंट ले लिया है अपना हर फॉर्म से करके, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है भैया, अजंता मेंडिस, हमारे मिर्जापुर में एक लड़का है, एक बार वो बॉलिंग करने गया तो उसने बहुत विकेट ले लिए और बहुत फर्जी बॉलर था, स्पिन करता था, तो हम लोगों ने उसका नाम मेंडिस रख दिया था दैट टाइम पर, और आज भी उसका नाम मेंडिस है। अब उसकी शादी हुई तो समझ लो कि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि हम लोगों ने उसे बताया कि तुम अपने नाम के ब्रैकेट में मेंडिस लिखवा लो, उसे लोग मेंडिस ही बोलते, इवन उसके घर वाले मेंडिस बोलने लगे उसको मेंडिस। ठीक, अजंता मेंडिस, कंट्री श्रीलंका, डेब्यू 2008, और किस लिए फेमस थे, तो एक कैरम बॉल के लिए फेमस थे, इन्होंने एक नई तरह की बॉल इजाद की थी, कैरम बॉल। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने 70 विकेट्स लिए हैं 19 टेस्ट मैचेस में, और 152 विकेट लिए हैं 47 ओडीआई में, और 66 विकेट लिए हैं 39 टी20 इंटरनेशनल में। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर है कि आपसे इनसे क्वेश्चन बने, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी जो होता है उससे उस पर बन सकता है, इन पे नहीं बनेगा। ठीक, और यही एक लौते ऐसे बॉलर है जिन्होंने टी20 में 2 बार 6 विकेट लिए हैं, यह भी एक रिकॉर्ड है भाई इनके पास, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्सन किसने रिजाइन किया, हम उसकी बात कर लें, एक रिवीजन अगस्त में। ठीक है, देखिए, तो डेनियल विचोरी न्यूजीलैंड क्रिकेटर रिटायरमेंट, ब्रैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रिटायरमेंट, डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है,
हाशिम अमला ने हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया, ये साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी साउथ अफ्रीका के हैं, ये न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए उरुग्वे के फुटबॉलर जो है, क्या नाम है इनका, डिएगो फोरलैन, इन्होंने भी रिजाइन ले लिया है, ये भी क्या है, मतलब ये भी उरुग्वे के फुटबॉलर थे। और देख लीजिए नीदरलैंड के फुटबॉलर वेस्ले स्नाइडर जो है, इन्होंने भी फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। इंग्लैंड के फुटबॉलर एशली कोल, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। गुजिप्पे कोंटे, इटली के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और वेस्टइंडीज के सेसिल राइट, इन्होंने 85 एज में अपना रिटायरमेंट लिया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका रिटायरमेंट का पूरा एक रिवीजन मैंने करा दिया यहां पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में नेक्स्ट न्यूज, और ये क्या है, ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है शूटिंग वर्ल्ड कप की, शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि ब्राजील में हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है अभिषेक वर्मा, और ये कौन है, ये अभिषेक वर्मा है और इनका नाम मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। ये लेडी का नाम है, एक्चुअली शूटिंग वर्ल्ड कप में 3 मेडल इंडिया ने जीते, एक गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 गोल्ड मेडल की बात करें तो दिखाते हैं आपको न्यूज पूरी, देखिए पूरा नाम क्या है स्पोर्ट्स का, पूरा नाम है शूटिंग वर्ल्ड कप, और शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हो रहा है। हम किस इवेंट की बात करेंगे, 10 मीटर एयर पिस्टल की बात करेंगे, ठीक है। अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक। एला वेनिल, ये एक फीमेल है, ठीक है, एला वेनिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल। तो ये है सौरभ चौधरी, ये है अभिषेक वर्मा, ठीक। और वो बच्ची का नाम, बच्ची का इमेज है नहीं, एला वेनिल ये लेडी है। तो 2 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता और सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 10 मीटर एयर पिस्टल देख लीजिएगा, मैंने सारे इवेंट आपके सामने लिख दिए, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ब्राजील में हो रहा है ना, ब्राजील में, तो ब्राजील क्यों अभी न्यूज में है उसके बारे में बात कर ले। तो आपको पता है बेसिक कंट्रीज, बेसिक का मतलब क्या होता है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। तो इनका एक 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ऑन क्लाइमेट चेंज, कहां पर हुई, साओ पाउलो ब्राजील में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और देख लीजिए 5th ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल ऑफ एनवायरमेंटल मीटिंग, ब्रिक्स, ठीक, इसमें रशिया भी आ गया। यह भी कहां पर हुआ, साओ पाउलो में हुआ, ब्राजील में हुआ, ठीक है। यह 5th ब्रिक्स मिनिस्टर जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर का था, उसमें प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। और देख लेते हैं कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी कहां पर हुआ, ब्राजील में। और इसमें कौन जीता आपको, नेक्स्ट ब्राजील इसमें जीता था मेरे ख्याल से, हाँ ब्राजील जीता था, ठीक है, और ब्राजील जीता था और पेरू रनअप था। और देख लीजिए ब्राजील का पैरेटी एंड इल्हा ग्रांडे गार्डन है, ये अभी क्या हुआ, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। कहां पर, 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन बाकू अजरबैजान, जिसमें जयपुर के वॉल को भी, जो अभी मिला है ना जयपुर वाला, उसी में, तो जयपुर वाले को मिला जगह। तो ब्राजील का देख लीजिए पैरिटी एंड इल्हा ग्रांडे, तो इसको भी मिली है जगह, ठीक है। तो ब्राजील न्यूज में क्यों क्यों है, हमने उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, नेशनल अफेयर्स में क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, देखिए ध्यान से। इंडिया फर्स्ट गार्बेज कैफे, ये मैं आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, ये शुरुआत हो गई है इसीलिए ये दोबारा न्यूज में है। तो भारत का पहला गार्बेज कैफे टू बी ओपन्ड इन अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां पर एक स्कीम लाई है वहां की गवर्नमेंट कि जो भी गरीब हैं लोग और जो भी मतलब ये कूड़ा कर बुनते जो नहीं साफ करते हैं वो प्लास्टिक लेकर आए और 1 kg प्लास्टिक पर उनको खाना मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए यहां पर तो अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मतलब अपनी तरह का पहला गार्बेज कैफे खोला हुआ है, ठीक। दिस इनिशिएटिव इज अ स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग द सिटी प्लास्टिक फ्री, मतलब पूरे शहर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए ये चीज है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, ठीक। ये क्या है, इसमें पुअर पीपुल के लिए और रैग पिकर्स का मतलब वही है जो कूड़ा बनते हैं उनके लिए है कि अगर वो 1 kg का प्लास्टिक लेकर आएंगे तो उनको बदले में फ्री में खाना दिया जाएगा। तो ये अच्छा है अपना अपनी तरफ से पहला न्यूज है, ठीक है। आगे बढ़े एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर दें तो इस प्लास्टिक का क्या होगा, ये प्लास्टिक जो है अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको ग्रैन्यूल्स मतलब कि इसको टुकड़ों में कह सकते हैं आप या इसकी गोलियां बनेंगी, ठीक है, और उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी।
और अंबिकापुर इस छत्तीसगढ़ फर्स्ट डस्टबिन फ्री सिटी भी है, ठीक है, डस्टबिन फ्री सिटी। तो मैंने आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ न्यूज में क्यों है आजकल, देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है अपने अपने स्टेट में, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 12% से बढ़ाकर 13 कर दिया है और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाकर 14% से 27% कर दिया है। यानी कि ये न्यूज शायद मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी तो अभी पढ़ा दे रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ ने अपने स्टेट में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाकर 13 कर दिया है और ओबीसी का 27 कर दिया है और राइट नाउ छत्तीसगढ़ में 72% रिजर्वेशन है, ठीक है। और देखिए इन छत्तीसगढ़ अभी 15 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल फ्लैग फहराया गया है ना, आपको यह पता है किसने किया, वसुधैव कुटुंबकम नाम की फाउंडेशन ने किया, टू इंटर कंपनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। दामोदर गणेश बापत ये छत्तीसगढ़ के एक नोटेड सोशल वर्कर हैं, इनका निधन हो गया है और ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दामोदर गणेश बापत ये क्या थे, सोशल वर्कर थे, इनका निधन हो गया। और बात करें तो सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत का पहला फर्स्ट सिख म्यूजियम ये कहां पे खुला, ये रायपुर में खुला, देख लेना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रायपुर में, यहां पर देख लो रायपुर में खुला और श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ये म्यूजियम खुला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में थी, हमने उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी है। चलिए और देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार फर्स्ट टाइम इंडक्टेड वुमेन कमांडोज इन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG, इट्स फ्रंटलाइन एंटी नक्सल फोर्स विथ 30 वुमेन ट्रूप्स, मतलब 30 वुमेन का दल बनाया गया है जिसे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हम कहते हैं, जो कि वुमेन्स का है और ये एंटी नक्सल इस एरियाज में ये अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड एन एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, छत्तीसगढ़ में खोला गया एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, कहां पर, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में खोला गया। तो ये सब छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कौन कौन सी न्यूज आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर परिवार डेंगू पर वार कैंपेन, दिल्ली सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे है ठीक है 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान शुरू किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को अपील की है, लोगों की अपील की है कि आपको 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार, मतलब इसका क्या है मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसका मतलब है कि आपको हैज आस्क रेसिडेंट टू टेक 10 मिनट फ्रॉम देयर शेड्यूल एवरी संडे टू क्लियर पोटेंशियल मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पॉट फ्रॉम देयर होम्स, यानी कि आपको हर संडे 10 मिनट निकालने हैं और आपके घर के आसपास जहां भी मच्छर पनप सकते हैं वहां पर सफाई करनी है, यह इसका मतलब, ठीक है। दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं और बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस गवर्नमेंट मूव्स अ बिल टू श्रिंक द कंट्रीज पार्लियामेंट बाय 25%, बहुत बड़ा कदम। तो फ्रांस क्या करने जा रही है, अपने पार्लियामेंट के 25% सीट को कम करने जा रही है। इंडिया में यह पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में यह हो ही नहीं सकता, यह नहीं हो सकता, 370 हट सकता है बट यह नहीं हो सकता, ठीक। देखिए तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन की बात करें तो ये अपने पार्लियामेंट के सीटों की संख्या कम करने वाले हैं, 25% कम करने वाले हैं। और कितनी सीटें हो जाएंगी, देखिए तो अगर हम लोअर हाउस की बात करें, जिस तरह से हमारे यहां लोकसभा होती है वैसे ही, तो अगर हम इनके लोअर हाउस की बात करें जिसे हम लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं वहां पर, हम लोग नहीं मतलब फ्रांस वाले, तो उसमें 577 सीट थी जो कि 433 सीट हो जाएगी, ठीक। और देखिए और जो सीनेट है अपर हाउस है उसमें 348 सीट थी, वो 261 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक पॉइंट ऑफ फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप है और करेंसी यूरो है, फ्रांस की करेंसी यूरो एंड कैपिटल पेरिस, ठीक है। और देखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर लें, देखिए यहां पर तो हम बात करने वाले हैं चेक रिपब्लिक में एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, इसका नाम है MJS स्पोर्ट्स इवेंट और इसमें 400 मीटर की रेस में इंडियन वुमेन VK विश्वमाया ने गोल्ड मेडल जीता है। आइए इनके बारे में इंफॉर्मेशन दें, हम किस स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एथलेटिक मीटिंग जोसेफ सेकर मेमोरियल MJS, ये कहां पे हो रहा है, बर्नो चेक रिपब्लिक। इंडियन स्प्रिंटर का नाम क्या है, VK विश्वमाया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें, वुमेन्स 400 मीटर रेस में।
इन्होंने कितना टाइम लिया, 52.12 सेकंड लिया। हमने पूरी इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में आपको दे दी है, कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किसने गोल्ड मेडल जीता, कौन से इवेंट में, आपको ये सब इजी होगा याद करने में। ठीक, पहला न्यूज। दूसरा, तमिलनाडु के 150 साल पुराने डिंडीगुल लॉक्स और वहां पर एक साड़ी है कंडांगी, इसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के 150 साल पुराने डिंडीगुल और डिंडीगुल के ताले और कडांगी साड़ियों को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, जीआई टैग एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको पता है। तो डिंडीगुल लॉक और कडांगी साड़ी, ठीक है, ये तमिलनाडु के हैं, ये आपको लर्न करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यह न्यूज दो दिन पुरानी है। इंडिया रेटिंग्स ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को 6.7% कर दिया है। कितने परसेंट से वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो 7.3 से कम करके 6.7% कर दिया है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट इंडिया में नरेंद्र मोदी से मिले, कौन है इनका नाम क्या, देखिए यहां पर। देखिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है ताकोहिको नकाओ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और इन्होंने भरोसा जताया है कि इंडिया का जो अपना इनिशिएटिव है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। देख लो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको इसमें लर्न करना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एडीबी एक्सपेक्ट द कंट्री, मतलब इंडिया ग्रोथ इन 2019 एट 7% एंड 2020 एट 7.2%, ये बोला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एक्सपेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 25th याद कर लीजिएगा, सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कहां पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी। 25वीं सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कहां पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी। देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश में होगी कौन सा इवेंट, 25th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का, और ये अरुणाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है, तो यह भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, छोटे पॉइंट है बट ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 30 टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो उसमें ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू बी ओवर 313 मिलियन टन्स दिस ईयर। 313 मिलियन टन का हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी का प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। किसने किया है वो भी देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर रिलीज द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक, तो क्या है कि 313 मिलियन का प्रोडक्शन हो सकता है हमारे देश में, जो कि 0.69% ज्यादा हाइयर होगा। ठीक है, तो यह भी बताया गया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ध्यान देना, ये किसने निकाला ये सब, ये क्योंकि बात हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद कर लीजिएगा इसे। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन पीसी मोदी। तो भारत सरकार ने पीसी मोदी जी का कार्यकाल विस्तार किया है, कितना किया है वो भी दिखा दें आपको। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन है। द टेन्योर ऑफ द सीबीडीटी चेयरमैन हैज बीन एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर। तो एक साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया पीसी मोदी का। ठीक है, तो ये सीबीडीटी के चेयरमैन है, यह भी आपको समझना। चलिए अब बात करेंगे एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में कौन कौन से न्यूज आपके लेकर आए हैं, जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च और नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट इन विच सिटी। हमको यह तो मालूम है कि 29 अगस्त को जो स्पोर्ट्स डे होता है हमारा, उस मौके पर लॉन्च किया गया, किस शहर में लॉन्च किया गया, यह आपसे पूछा गया। पहला आंसर आते ही हम आगे बढ़ जाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो होगा हमारा बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी पर, वहां भी आपका स्वागत रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया, और इसका आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द डोमिनिशियन रिपब्लिक हैज रिलीज अ पोस्टल स्टैम्प टू मार्क विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो डोमिनिशियन रिपब्लिक, इसकी करेंसी क्या है आपको याद है ना, CCDPUMA, ठीक, पेसो। तो डोमिनिशियन रिपब्लिक ने अभी महात्मा गांधी जी के लिए एक पोस्टल स्टैम्प निकाला है, उनका कौन सा जन्मदिन मनाने के लिए, तो आपको पता है कि कौन सा होगा ये।
ये कौन सा होगा? 150वां नहीं अविनाश, प्रपेश सर कहां, 150वां हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो ये तो मैंने कल ही आपको पढ़ा था, वो देश कौन सा है, वो देश इंडिया है, तो मतलब सिंपल सा बात है, इंडिया इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस बाई 2022। तो अगर आपने कल का मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा तो उसमें मैंने एक इमेज आपको दिखाई थी पीयूष गोयल वाली, जहां पर हम एफडीआई की बात कर रहे थे, वहां पर नीचे मैंने आपको दिखाया था कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, कितने अमाउंट में। इसका आंसर क्या होगा, देखिए बताइए। एंड द आंसर इज 75, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च विच वेब पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन। इसे हम जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन का मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन सब कुछ एक ही पोर्टल पर, क्या नाम होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहां पर बात हो रही है एजुकेशन की, और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, सोशियो इकोनॉमिक फिगर्स, ये सब हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर क्या होगा इसका, एंड राइट आंसर इज शगुन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शगुन इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव हाउ मच परसेंट एफडीआई इन कोल माइनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारा कल का ये पहला न्यूज था और मेरे ख्याल से आप सबको ये पता होगा कितना परसेंट एफडीआई अप्रूव किया गया है। और आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज 100%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 100% इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th इंडिया सिक्योरिटी समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑब्लिग्यूटी। तो ये कहां पर हुआ, मैंने आपसे ये पूछा था, कल पढ़ाया था मैंने आपको, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। वॉट इज द आंसर, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल लॉन्च विच स्कीम ऑन हिम्मत प्लस एप फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था और इसके क्वेश्चन में आज पूछ रहा हूं आपसे, क्या इसका आंसर होगा। कुछ मैंने पढ़ाया था ना स्कैन करने वाली बात, जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यूआर कोड की, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्यूआर कोड इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड अ वेस्ट प्लास्टिक टू डीजल प्लांट इन विच सिटी। तो मैं आपको कल ये पढ़ा चुका हूं कितने केजी प्लास्टिक पर कितना डीजल निकलेगा, याद है ना, सब मैंने पढ़ाया है आपको ये सर। एंड वॉट इज द आंसर, एंड द आंसर इज देहरादून, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, देहरादून इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was named as chairman of senior selection committee by Delhi and District Cricket Association? ये नया क्वेश्चन है, मतलब मैंने इसे अभी तक टच नहीं किया था, तो मैंने इसको एमसीक्यू में आपको दे दिया है। वॉट इज द आंसर, आंसर क्या होगा इसका, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अतुल वसान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेसिल राइट अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑन विच स्पोर्ट्स 85 में। मैंने अभी आपको रिविजन भी करा था इसका, इसका आंसर क्या होगा, क्रिकेट है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नॉरू। नॉरू के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, मैंने आपको यह भी पढ़ाया हुआ था है ना, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका लियोनेल एंगिमा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर हाईएस्ट पेड फीमेल सिंगर स्पॉट विथ $185 million अकॉर्डिंग टू फोर्स। आंसर क्या होगा, पढ़ाया मैंने आपको ये भी।
And the right answer is Taylor Swift. Option number D is right answer. Next question. Which entity has won NASSCOM Design for India Award in the category Digital Ergonomic Product at the recently concluded Design Summit held in Bangalore on 22-23 August? What is the answer? And the right answer is Avishkar. Option number C. Avishkar is right answer. Ye bhi naya question aapke liye hai. Next question. Who has been selected as next chairman of Coal India? Coal India ke next chairman kaun bane hai? Padhaya hua question aapko hai. Kaiska answer hoga? And the right answer is Pramod Agrawal. Option number D is right answer. Pramod Agrawal is right answer. Next question. Name the first Paralympian who was awarded with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, first Paralympian. So, this is a simple question. I will tell you. This answer Deepa Malik hoga. Option number 4 is the right answer. Next question. Who won the Tenzing Norgay National Adventure Award 2018 under Lifetime Achievement category? मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आज एक क्वेश्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वांगचुक शेरपा, ऑप्शन नंबर 3. इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के अंतर्गत ये अवार्ड. ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा और हम मिलते हैं फिर से भी 10 o'clock पर, जहां पर हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी करंट अफेयर्स की. आइएगा जरूर. थैंक यू सो मच. और एएम लाइव कोड इसे भूलना नहीं है. तो जिसे भी आगे एडमिशन लेना है, आपके दोस्तों यारों को, सखी सहेलियों को, इवन आपको, तो इस कोड का यूज करके आप प्लस प्लेटफॉर्म को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग का दिन मंगलमय हो. थैंक यू सो मच.